जय हिंद प्यारे दोस्तों, 10वीं पास ग्रेजुएट लेवल सबके लिए वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत वैकेंसी आउट हुई है। तो बेसिकली दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ दो टाइप की अलग अलग पोस्ट आउट हुई है, जिसको 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में एलिजिबल रहेंगे, सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल फील्ड या सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की वीडियो में बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइज में बताई गई है सारी अपनी वीडियो में कवरअप करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों TSSTI इसमें दोस्तों वैकेंसी निकली है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत दोस्तों। आपकी जो पोस्टिंग होगी दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत होगी दोस्तों। इसमें पहली पोस्ट की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पहली पोस्ट है, जिसमें सिंपल 10th पास मांगा, यानी कि आपने हाई स्कूल किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। एज की बात करें तो ज्यादा आपकी जो नहीं है 25 साल, यानी कि 18 साल से 25 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, सैलरी मिलेगी 15,800 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अगली पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, लेकिन इसमें आपके पास प्रोफेंसी इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, यानी कि जो एमएस ऑफिस वगैरह होते हैं, एक्सेल होते हैं, एमएस वर्ड होते हैं, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। इसमें सैलरी की बात करें तो 31,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और एज की बात करें तो 18 साल कम से कम और ज्यादा 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसमें दोस्तों बात करते हैं, एससी एसटी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन और ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के लिए क्या चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों 200 रुपए आपको चार्जेस देने होंगे, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए चार्जेस देने होंगे अप्लाई करने के लिए दोस्तों। तो बेसिकली TSSTI ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग हो रही है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं दोस्तों, आपकी जो लोकेशन रहेगी वो ये रहेगी। इसमें दोस्तों इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन है, सुझाव हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।